हमीरपुर जिला में पंचायती राज चुनावों के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं और जिला हमीरपुर में 248 ग्राम पंचायतों में नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य पूरा हो चुका है। अब जिला प्रशासन नगर निकाय चुनावों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देवस्विता बनिक ने बताया कि पिछले कल छंटनी के बाद जिला में 5,830 उम्मीदवार पंचायती चुनावों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला में कोविड महामारी के मद्देनजर एक बार फिर से मोबाइल टेस्ट सैंपलिंग शुरू कर दी गई है ताकि चुनावी माहौल में लोगों को कोरोना बीमारी से बचाव हो सके। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि छंटनी के दौरान प्रधान पद के लिए 2 नामांकन पत्र, उप प्रधान के लिए 3 और पंचायत सदस्यों के 5 नामांकन पत्रों सहित 10 नामांकन पत्र रद्द हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर देवस्विता बनिक के अनुसार 5,840 नामांकन पत्रों में से 5,830 सही पाए गए हैं, जिसमें प्रधान पद के लिए जिला में 1,158 नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं तो उप प्रधान पद के लिए 1,454 पत्र भरे गए थे। वहीं BDC सदस्यों के लिए 3,238 नामांकन पत्र भरे गए थे। हमारे जिला हमीरपुर में कुल 5,840 नामांकन पत्र जो है वो 3 दिनों के दौरान जो है वो भरे गए थे और पिछले कल स्क्रूटनी के दौरान जो है 5,830 नामांकन पत्र जो सही पाए गए और वैलिड पाए गए, तो ये स्थिति रही। इसके साथ साथ जो है प्रधान पद के लिए टोटल 1,158 नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किए गए थे। उप प्रधान पद के लिए 1,454 जो है पर्चे दाखिल किए गए थे। इसी के साथ साथ पंचायत सदस्य जो वार्ड मेंबर्स हैं उनके लिए कुल 3,228 नामांकन पत्र जो हैं वो दाखिल किए गए थे और इसकी जो है विड्रॉल की जो समय सीमा के पश्चात जो है इनके सारे जो है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और इसी के साथ साथ जो है चुनाव के बाकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी नियमानुसार जो है वो की जा रही हैं। चुनावों के दौरान कोरोना से बचाव करने के लिए भी प्रशासन जुटा हुआ है। देवस्विता बनिक ने बताया कि एक बार फिर से जिला हमीरपुर में मोबाइल टेस्ट वैन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों के सैंपल ले रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों का समय है, इसलिए प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सैंपलिंग शुरू कर दी है ताकि कोरोना की चपेट से बचा जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि चुनावी माहौल में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए पूरे एहतियात बरतते हुए कोविड नियमों का पालन करें। हमने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पिछले कई समय से जो है मोबाइल सैंपलिंग जो है उसकी प्रक्रिया जारी रखी थी, जहां पे हर रोज़ हम प्रेस रिलीज के माध्यम से अपने फेसबुक के मीडियम से भी लोगों को जागरूक कर रहे थे कहां कहां हमारी हेल्थ की टीमें जाएंगी, किस किस दिन और सैंपल्स लेंगी। तो वो भी हमने जो प्रक्रिया दोबारा जो शुरू कर दी है, अभी सभी से हमारी फिर से अपील है कि हम लोग बिल्कुल भी इसमें कंप्लेसेंट ना हो, ये ना सोचे कि केसेस कम हो गए हैं या तो इसलिए खतरा ख़त्म हो गया है। फिर से जो है मैं सभी से अपील करूंगी कि हमारी हेल्थ की टीमें जो हैं अभी भी जो है फील्ड पे जा रही हैं। हमने दोबारा जो है वो प्रोसेस जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है और हम जो है समय समय पे आपको बताते रहेंगे कि किस दिन कहाँ कहाँ सैंपल लिए जाएंगे। जो जो लोग संक्रमित संदिग्ध लगते हैं या कोई संपर्क में आए हैं किसी संक्रमित व्यक्ति के या कोरोना के कोई भी लक्षण जिनमें दिखते हैं, उनसे फिर से गुजारिश है कि अपने जो है सामने आके टेस्ट करवाएं। इसी के साथ साथ सभी से गुजारिश है कि अभी चुनावी माहौल में चुनाव सीजन में जो है कई बार लोगों की इंटरेक्शन या इस तरह की वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इसमें भी अपनी पूरी एहतियात बरतें। जो सरकार के द्वारा नियम जो है वो बनाए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें और इनमें भी कोरोना से संबंधित सभी जो है एहतियात जो है वो पूरी तरह से बरतें। ये कोरोना जो है वो कहीं कोई जगह या दिन देख के नहीं आता है, इसीलिए सभी से दोबारा गुजारिश है कि इससे इसमें हेल्थ विभाग का और प्रशासन का जो है भरपूर सहयोग करें।